अस्सलाम वालेकुम। आज हम छोटा और बड़ा आदत के लिए अलामतें भी इस्तेमाल होती है, तो आज हम उसको समझने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे जो है छोटा और बड़ा आदत क्या है। तो जैसे कि आपने आपको 1 से 100 तक के गिनती के बारे में आपके 1 से 100 तक की गिनती सीख रखी है, तो हम देखते हैं कि आदतों में छोटा और बड़ापन क्या होता है। तो फर्ज कीजिए हमने ये दो अदद लिए हैं, तो हमने आज दो अदद लिए हैं। मुझे बताओ इसमें से छोटा और बड़ा अदद कौन सा है? 9 और 10 में से छोटा अदद बड़ा अदद कौन सा है? जैसे कि 10 हमारा बड़ा अदद हो गया और 9 छोटा अदद। तो ये हमारे ये 9 हमारा छोटा अदद और 10 उससे बड़ा है, इसलिए बड़ा अदद हो गया। हम और मिसालें देखते हैं, जैसे कि ये हो गया। अभी इसमें से छोटा आदत और बड़ा आदत कौन सा है? छोटा आदत हमारा है 5 और बड़ा आदत क्या है? 6, क्योंकि 6 5 से बड़ा है और 5 6 से छोटा है, क्योंकि 5 जो है आददों की तरतीब में जो हमने सीखा है उसमें 5 क्या है? पहले आता है और 6 क्या है? उसके बाद आता है ना। तो 6 5 से बड़ा है और 5 क्या है? 6 से छोटा है। हम और समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे पास है अभी 3 और 4। तो मुझे बताइए 3 और 4 में से बड़ा आदत कौन सा है? बड़ा आदत है हमारा 4 और छोटा आदत क्या है? 3। तो ये हमारे अददों का छोटा बड़ापन है, जिसमें जो अदद तरतीब में पहले आता है वो अदद क्या होता है? छोटा होता है, और उसके बाद वाला अदद उससे बड़ा होता है। जैसे कि हमारी जो अदद की तरतीब है उसमें 3 पहले आता है और फिर उसके बाद क्या आता है? 4। तो 4 3 से बड़ा है और 3 4 से छोटा है। तो ऐसी ही तरीके की चीज़ों को समझने के लिए रियाजी में अलामतों का इस्तेमाल होता है। यानी कि जैसे हम 4 को छोटा बोल रहे हैं और 3 को 4 को बड़ा बोल रहे हैं 3 से, और 3 को छोटा बोल रहे हैं 4 से। तो इसके लिए छोटा और बड़ा, इसके लिए रियाजी में कुछ अलामतें इस्तेमाल होती हैं। वो अलामतें क्या होती हैं देखते हैं। तो हमारे पास ये दो अलामतें हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास जो छोटा आदत होता है उसको बयां करने के लिए, उसको छोटा आदत को बताने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? छोटा आदत को बताने के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है, और बड़ा आदत को बताने के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये इस तरीके का, इसका बड़े अलामत की जो निशानी है वो क्या है? वो इस तरीके से है, और इसकी भी अलामत क्या है? इसकी जो अलामत की निशानी क्या है? ये इस तरीके से। तो हम इसको मिसाल के जरिए समझते हैं। मुझे बताइए ये हमारे पास 2 अदद है। अभी इन 2 अदद में बड़ा अदद और छोटा अदद क्या है? 2 8 से छोटा है। तो इसको हम हमारे रियाजी में किस तरीके से बताएंगे? अलामत का इस्तेमाल करके हम इसको बता सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास हो गई, ये हमारी एक अलामत है, ठीक है। तो 8 क्या है? 2 से बड़ा है। ये बड़े की अलामत है, और छोटे की अलामत क्या है? ये। तो बड़े अदद की अलामत क्या होंगी? बड़े अदद, जैसे कि आप ये देख रहे हो इस निशान का मतलब हम समझते हैं कि ये इसको खाने वाला है। तो जिस भी तरफ बड़ा आदत होता है वो बड़े आदत को खा जाता है, मगरमच्छ जो है बड़े आदत को खा जाता है। जैसे कि आपके पास 2 चॉकलेट है और 8 चॉकलेट है, तो आप कितने चॉकलेट लेना पसंद करोगे? अगर आपके घर में आपकी बहन, आपके बड़े भाई आपको पूछते हैं कि आपको 2 चॉकलेट चाहिए या 8 चॉकलेट चाहिए, तो आप क्या करोगे? 8 चॉकलेट लोगे या 2? आप 8 चॉकलेट लोगे, बराबर। तो उसी तरीके से जो है मगरमच्छ भी जो बड़ा आदत होता है उसको खा जाता है, इसका मुंह ऐसे खुल रहा है। तो
तो ये क्या कर रहा है, बड़े अदद को खा जाता है। अभी हम दूसरा मिसाल देखते हैं। हमारे पास है 1 और 5। अभी इसमें से बड़ा अदद कौन सा है और छोटा अदद कौन सा है? तो बड़ा अदद जो है वो है 5 और 1 क्या है? छोटा अदद है। तो 1 छोटा है 5 से। क्या है? 1 छोटा है 5 से। तो जो अलामत का जो निशान होगा वो क्या होगा? बड़े अदद की तरफ होगा, जैसे कि ये इसको खा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे अददों की अलामतें हैं जिसके जरिए हम रियाजी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे छोटे अदद की अलामत है। और ये बड़े अदद की, छोटे अदद के जहां पे भी आपको मिसाल में छोटा अदद दिखे, छोटा अदद को इस तरीके से, ये छोटे अदद की अलामत है और ये क्या है? बड़े अदद की अलामत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज क्या सीखा? बड़ा अदद और छोटा अदद, और उसी के साथ उनकी अलामतें क्या क्या होंगी ये सीखी। उम्मीद करती हूँ आपको बड़ा अदद और छोटा अदद समझ आया होगा और उसके साथ उसकी जो अलामतें हैं वो भी। शुक्रिया।